दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सनातन चैनल पर आपको गीता के प्रमुख सिद्धांत, जीवन जीने की अद्भुत राह और उच्चतम मार्ग के संदेश मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े और इस अद्वितीय ज्ञान को अपने जीवन में समाएं और साझा करें। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। यह उपदेश महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए थे। गीता में दिए गए उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य को जीवन जीने के लिए सही राह दिखाते हैं। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपनाता है, वह अपने जीवन में खूब प्रगति करता है। गीता मानव जीवन के लिए अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें धर्म, कर्म और प्रेम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समावेश है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गीता मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विचारधारा को दर्शाती है और उसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति महान होता है। इसमें श्री कृष्ण ने समझाया है कि बीता हुआ कल हमें अनेक बातें समझने का अवसर प्रदान करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को आराम और प्रेम को सावधानी पूर्वक संतुलित रखना चाहिए। जरूरत से अधिक आराम और प्रेम करने से व्यक्ति का बहुत नुकसान हो सकता है। आराम की अत्यधिकता और आलस्य व्यक्ति को सुस्त और निष्क्रिय बना सकती है, जो उसके प्रगति और सफलता में बाधा बनता है। प्रेम की अत्यधिकता और आसक्ति व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से भटका सकती है, जिससे उसकी निरंतरता और जिम्मेदारी पर प्रभाव पड़ता है। जब हम अधिक आराम और प्रेम में लीन रहते हैं, तो हम अपने कर्मों को नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें आवश्यकताओं के मापदंडों के साथ आराम और प्रेम को नियंत्रित रखना चाहिए, ताकि हम उच्चतम जीवन मार्ग पर चल सकें और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता में यह उपदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव के द्वारा अकेले जन्म लेता है और अकेले ही मर जाता है। यह उपदेश हमें बताता है कि प्रत्येक कर्म का फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें लोगों के झुंड में चलने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एकांत में चलने से घबराहट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम सच्ची आत्मानुभूति और आध्यात्मिक विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण द्वारा यह संदेश दिया गया है कि सच्चा धनवान होने के लिए केवल पैसों की आपूर्ति से ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक धनवानता वही होती है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इन गुणों के अभाव में व्यक्ति सदैव गरीब रहता है। पैसों की माया से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मानवीय गुणों का संचार, जो हमारे सोचने, बोलने और व्यवहार के तरीकों को संवारते हैं। व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए उपर्युक्त गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये हमें आदर्श और अभिव्यक्ति का सच्चा मार्ग प्रदान करते हैं। गीता में यह बताया गया है कि कोई नहीं जानता कि समय कब क्या रंग दिखाएगा। उदाहरण के तौर पर श्री राम को रात को राज्य प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन सुबह उन्हें वनवास मिला। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें समय पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्मों पर केंद्रित रहना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए हमें समय की महत्ता को समझना और उसके साथ सामर्थ्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करते हुए निर्णय लेना चाहिए और समय की प्रशंसा करते हुए अपने कर्मों के द्वारा सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम सच्ची खुशियों और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने पर भरोसा रखते हैं, तो हमारी ताकत वृद्धि कर जाती है।
हालांकि यदि हम दूसरों पर अपना भरोसा रखते हैं, तो हमारी कमजोरी बन जाती है। यह सही है कि लोग जब सही होते हैं, तब कोई उनके सही होने को याद नहीं रखता है, लेकिन जब वे गलत होते हैं, तो इसे कोई भूल नहीं सकता। इसलिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और स्वयं के विकास पर केंद्रित रहना चाहिए, ताकि हम अपनी स्थिति में मजबूती प्राप्त कर सकें और सफलता की ओर प्रगति कर सकें। गीता में बताया गया है कि बीता हुआ कल हमें जीवन को समझने का एक अच्छा मौका प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक और मौका है। इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। यह शांति, संतुलन और संतोष का मार्ग है। हमें पश्चाताप और चिंता के बजाय प्रगति और समृद्धि के लिए कर्म करना चाहिए। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान को समझकर उसे पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ जीना चाहिए। हमें स्वयं के साथ संवाद करने, अपनी इच्छाओं और दुखों को समझने और सकारात्मकता और समानता के साथ जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस रूप में हम सामरिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और पूर्णता की दिशा में प्रगति कर सकते हैं।